ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। किस तरह के पुलिस को फिल्म में किया जाएगा शामिल, कौन से एक्टर्स बन सकते हैं एसीपी, क्या रणवीर और दीपिका आएंगे आमने सामने, धूम 4 को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। कभी कहा जा रहा है कि विलन के रूप में हमें इस बार अक्षय कुमार नजर आएंगे, तो कभी रणवीर सिंह के नाम को भी शामिल किया जा रहा है। और अब तो इंडस्ट्री की टॉप रेटेड एक्ट्रेसेस में शुमार दीपिका पादुकोण भी इस लिस्ट का हिस्सा बन चुकी है। खैर, धूम में नजर आने वाले विलन जितने खास है उतने ही खास उन्हें पकड़ने वाले पुलिस भी होने वाले है। हालांकि इस बार एसीपी दीक्षित के किरदार को शामिल नहीं किया जाने वाला, बल्कि कोई दूसरा एक्टर फिल्म में पुलिस का किरदार निभाएगा, क्योंकि एसीपी दीक्षित का किरदार निभाने वाले अभिषेक बच्चन इस बार धूम फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। वहीं क्योंकि उनका किरदार इस फ्रेंचाइजी का एक आइकॉनिक किरदार है, इसी वजह से कोई इस किरदार को अभिषेक के अलावा नहीं निभा सकता। यही कारण है कि इस बार जिस भी एक्टर को पुलिस की वर्दी दी जाएगी उनका नाम दीक्षित के बजाय कुछ और रखा जाएगा। वहीं अंदाजा लगाए तो इस बार प्राउडी पुलिस के किरदार को शामिल किया जा सकता है। हर बार विलन को सुपीरियर दिखाते आए ये फ्रेंचाइजी इस बार पुलिस के अवतार में काफी बदलाव लाएगी, ताकि फिल्म में विलन और पुलिस के बीच कांटे की टक्कर नजर आए। वहीं अगर फिल्म के एक्टर की बात करें तो हो सकता है कि इस बार सिद्धार्थ मल्होत्रा या विकी कौशल को फिल्म में पुलिस का किरदार निभाने को दिया जाए। वहीं अगर रणवीर सिंह का नाम क्योंकि फिल्म से जुड़ा जा रहा है तो वो इस फ्रेंचाइजी में भले ही एक विलन ना बने, पर रोहित शेट्टी की फिल्म में सिम्बा बन चुके रणवीर धूम में भी एक पुलिस बनकर अपना कमाल दिखा सकते हैं। वहीं अगर धूम की इस नई फिल्म में अक्षय एज अ विलन बने रहते तो फिर हमें एक बार रणवीर और अक्षय की जोड़ी देखने को मिलेगी। हालांकि इस बार फर्क यही होगा, जहां अक्षय सूर्यवंशी के बाद धूम में सीधे विलन के रूप में नजर आएंगे, वहीं रणवीर फिर एक बार पुलिस के अवतार में दर्शकों के सामने दिखाई देने वाले हैं, जो फिल्म को काफी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने वाला है। फीमेल विलन के रूप में दीपिका सबका ध्यान अपनी तरफ खींचेगी, वहीं पुलिस के अवतार में नजर आ रहे रणवीर सिंह बिल्कुल धूम 2 की याद दिलाने वाले हैं। धूम 2 में भी ऐश्वर्या और अभिषेक आमने सामने नजर आए थे। कुछ उसी तरह अगर हम बात करें, इस बार रणवीर और दीपिका की जोड़ी को आमने सामने रखा जाएगा और वहीं ऋतिक की जगह लेने वाले हैं अक्षय। इस बार भले ही धूम 2 की तरह किरदारों को सेट किया जा रहा है, पर फिर भी उनका अंदाज एकदम हटके और पावरफुल होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या होगी फिल्म की कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।